गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द सेकेंड लेसन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर बुक द ब्रेव पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय। दिस इज द स्टोरी ऑफ द पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय। इन दिस स्टोरी ए बॉय हु डिलीवर द पिज़्ज़ा एंड हिज निक नेम वॉज पिज़्ज़ो। एंड नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। राणा वाज ए पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय। राणा एक पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय है। एवरीवन कॉल्ड हिम पिज़्ज़ो। हर कोई उसे पिज़्ज़ो के नाम से बुलाता था। हिज जॉब वॉज डिलीवर पिज़्ज़ा एंड उसकी जो जॉब थी वो क्या करता था पिज़्ज़ा डिलीवर करता, यानी घर घर जाकर अगर कोई ऑर्डर करता था तो पिज़्ज़ा डिलीवर करता था टू होम दैट हैड ऑर्डर देम। द पिज़्ज़ा वर पुट इन द कार्टून्स। जब वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता था तो वो कार्टून्स में उसे पैक करता था। विच ही होल्ड प्लेस इन द बुक्स बिहाइंड द सीट ऑफ हिज मॉप्ड। जब वो पिज़्ज़ा कार्टून्स में पैक करके ले जाता था तो वो कहाँ रखता था? इन ए बॉक्स बिहाइंड द सीट ऑन हिज मॉप्ड। मॉप्ड क्या होती है? मॉप्ड एक, ये देखिए, बाइसाइकिल की तरह होती है जो पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय जिस पर पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मॉप्ड। उस मॉप के ऊपर एक बॉक्स रखा होता है, उस बॉक्स के अंदर वो पिज़्ज़ा रखता था। ओके, ही वुड देम गो फ्रॉम हाउस टू डिलीवर देम। वह घर घर जाकर उसे डिलीवर करता था। वेन ही वॉन्ट टू द पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय ऑफ ए हाउस। जब एक दिन वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए घर में जाता है, पिज़्ज़ो यूजली लेफ्ट द पिज़्ज़ा बॉक्स ऑफिस मॉप्ड अनलॉक्ड बिकॉज दैट वे ही कुड मेक टू डिलीवर फास्टर। पिज़्ज़ो जो बॉय था जिसका निक नेम था, जो और रियल नेम था राणा। क्या नाम था उसका? राणा। राणा का निक नेम पिज़्ज़ो था। जब वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए जाता था ना, तो वो क्या करता था? अपने मॉप को अनलॉक ही रखा करता था। क्यों अनलॉक रखता था? बिकॉज दैट वे ही कुड नॉट मेक हिज डिलीवर फास्टर, ताकि जो उसकी जो डिलीवरी है वो फास्टर यानी तेजी से होती रहे। वन इवनिंग ही हैड 5 पिज़्ज़ा टू डिलीवर टू 5 डिफरेंट हाउस। एक इवनिंग क्या होता है कि उसे 5 पिज़्ज़ा डिलीवर करने होते हैं अलग अलग हाउस में। ही स्टॉप्ड एट द फर्स्ट हाउस। वह पहले घर में रुकता है, वेंट टू द डिलीवर पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा को डिलीवर कर देता है। वेन ही केम आउट, जब वो बाहर आता है, ही सा 2 यंग मैन ऑन द मोटर बाइक। 2 यंग मैन कहाँ पर होते हैं? मोटरसाइकिल पर, स्टीलिंग पिज़्ज़ा फ्रॉम हिज बॉक्स। और उसके बॉक्स में से वो क्या कर लेते हैं? स्टील मीन्स होते हैं चुराना, पिज़्ज़ा को चुरा लेते हैं। दे टुक द पिज़्ज़ा एंड स्पीड अवे। वे पिज़्ज़ा को लेते हैं और एकदम से भाग लेते हैं। पिज़्ज़ो डोंट रेज एन अलार्म। पिज़्ज़ो डिड नॉट रेज एन अलार्म। पिज़्ज़ो जो है बिल्कुल भी, अलार्म मीन क्या होता है? चिंतित होना। पिज़्ज़ो बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेता, चिंतित नहीं होता। आई कांट बीट दैम ऑन देयर ओवन गेम। और वो सोचता है कि आई कैन बीट दैम एट देयर ओवन गेम, कि मैं उसे उसी के गेम के द्वारा यानी उससे हराऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, मैं खुद के द्वारा ये चीज़ सोचता है कि मैं खुद के द्वारा उनको उन्हीं के गेम के द्वारा पीटूंगा। ही सीक्रेटली फॉलोड देयर बाइक, और वो उसकी बाइक को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। ही सा देम टू स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ ए हाउस। और वो कहाँ पर रुक जाते हैं? वह देखता है कि स्टॉपिंग इन द फ्रंट ऑफ ए हाउस, वो एक हाउस के सामने रुक जाते हैं, घर के सामने। देवर प्रिटेंडिंग टू बी पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय, और वे कोशिश कर रहे होते हैं उससे बचने की पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय से। दे रैंग द डोर बेल, और वे डोर बेल को बजाते हैं। रैंक मीन्स होता है बजाना, डोर बेल। वेन द डोर ओपन, जब वो डोर ओपन होता है, द टू मैन बार्क्ड इन टू द हाउस। जो दो मैन है वो क्या करते हैं? बार्क्ड होता है अंदर घुसना जाना। तो वो क्या करते हैं कि वो दोनों मैन अंदर चले जाते हैं। एंड टाइड अप द मैन, और मैन को जो डोरबेल बजने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलने आता है ना, उसे एकदम से टाइड अप होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना। एंड द वुमन इन द हाउस, और एक वुमन भी हाउस में होती है, घर में होती है। पिज़्ज़ो सा ऑल द हैपनिंग्स थ्रू ए साइड विंडो। पिज़्ज़ो जो है ये सब चीज़ें कहाँ से देख रहा होता है? एक साइड विंडो होती है, उसमें से ये सब चीज़ें देख रहा होता है। पिज़्ज़ो क्विकली कॉल द पुलिस। पिज़्ज़ो एकदम से पुलिस को बुलाता है। क्विकली होता है तेजी से। ही टोल्ड देम हिज फैमिली इज इन डेंजर, कि यह जो फैमिली है वो खतरे, डेंजर होता है खतरे में। तो वो जो खतरे में है फैमिली, तो वो पुलिस को बुलाता है। पिज़्ज़ो थॉट टू हिमसेल्फ, आई नो
नाउ द पुलिस विल टेक ए वाहिल टू अराइव. पीजो थॉट टू हिमसेल्फ. पीजो खुद के द्वारा सोचता है आई नो द पुलिस विल टेक ए वाइल टू अराइव. पुलिस जो है यहाँ पर पहुँचने में अराइव, अराइव होता है पहुँचना, अराइव थोड़ा टाइम लगाएगी. आई हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप द टू यंग मैन वर स्टीलिंग एनीथिंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम द हाउस. समथिंग टू स्टॉप द टू यंग मैन. तो वो सोचता है कि शायद उनके पुलिस के आने से पहले उन दोनों यंग मैन को वहाँ से कुछ चुराने से और भागने से बचाने के लिए, भागने से रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. ही वेंट, वह जाता एंड स्टूड जस्ट आउटसाइड द फ्रंट डोर एंड शाउटेड. वह क्या करता है, वह जाता और खड़ा हो जाता है, स्टूड होता है खड़े होना, एंड आउटसाइड द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर के सामने खड़ा हो जाता है, एंड शाउटेड, शाउटेड होता है चिल्लाना, और चिल्लाने लगता है. यू आर द सराउंडेड, यानी आप सराउंडेड होते हैं चारों ओर से घिरे होना, आपको चारों ओर से घेर लिया है. कम आउट विद योर हैंड्स रेज एंड योर आइज शट. अब देखो पिज़्ज़ा बॉय क्या कहता है, जब वो चारों ओर से घेरने की उनको धमकी देता, थ्रेट देता है, तो वो क्या कहता है, कम आउट विद योर हैंड्स, अपने हैंड्स के रेज्ड, अपने हैंड को रेज करते हुए बाहर आ जाओ, एंड योर आइज शट. वो कहता है कि जब आप बाहर आओगे तो आपकी आंखें जो है बंद होनी चाहिए. यू आर अंडर अरेस्ट, आप अरेस्ट हो चुके हो. द थीफ वर अलार्म, जो थीफ हैं वो अब चिंतित होते हैं, अलार्म होते हैं चिंतित होना. दे बिगिन टू वॉक आउट ऑफ द हाउस विद देयर हैंड्स रेज एंड देयर आउज क्लोज्ड. जब वो बाहर आते हैं तो वो क्या करते हैं कि अब उनके हैंड रेज होते हैं और उनकी आइज जो है क्लोज होती है. पीजो वंडर, पीजो हैरान हो जाता है. वट विल आई डू नाउ. अब वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए. नाउ इफ वन हैव दैम ओपन देयर आइज एंड सी मी. वो ये चीज़ सोचता है कि अब उसने कह तो दिया कि अपने आइज क्लोज करना, बट अब उसे ये डर है कि अगर दोनों में से किसी ने अपने आइज को ओपन कर लिया तो वो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवर में. टू हिज लक, उसका लक देखो, लक होता है किस्मत. अब उसकी जो लक है वो बहुत ही अच्छी थी. द पुलिस अराइव्ड देन जस्ट टुक द थीव्स अवे. पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और थीव्स को पकड़ लेते. द फैमिली थैंक पिज़्ज़ो एंड इनवाइटेड टू जॉइन देम टू डिनर. फैमिली जो है पिज़्ज़ो को इनवाइट करती, थैंक करती है और इनवाइट करती है टू जॉइन देम टू द डिनर, और डिनर के लिए इनवाइट करती है. दैट नाइट पिज़्ज़ो एट फॉर फ्री. और उस दिन क्या होता है कि पिज़्ज़ो जो है एट फॉर फ्री, बिना यानी बिना किसी पे के वहाँ पर खाना खाता है. ही टोल्ड हिमसेल्फ आई मस्ट रिमेंबर टू लॉक माई बॉक्स ऑलवेज. और वह खुद के द्वारा सोचता है कि और खुद को बताता है कि आई मस्ट रिमेंबर, अब मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा, टू लॉक माई बॉक्स ऑलवेज, कि मैं अपने उस बॉक्स को हमेशा क्या करके रखूँगा, लॉक, क्योंकि वो उसे लॉक नहीं करता था, तभी वो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था. ओके, दैट्स क्लियर, गुड.